बीजेपी का आक्रामक एक्शन प्लान ममता दीदी को कड़ी सियासी टक्कर दे रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दौरा बंगाल में शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 23 जनवरी को बंगाल दौरे पर जा रहे हैं ताकि इस साल वहां भी कमल को खिलाया जा सके। बीजेपी की नजर मिशन बंगाल पर है। चुनावों से पहले पार्टी की जड़ें मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। भारत माता की। दिग्गजों का दौरा भी बंगाल की धरती पर शुरू हो चुका है। भारत माता की। बीजेपी का दांव बंगाली अस्मिता को लेकर भी है। दिसंबर में अपने दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने शांति निकेतन में गुरुदेव टैगोर को नमन किया था। रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज यहां आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहां से प्राप्त कर मैं जा रहा हूं। और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक है। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर भी तमाम बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम किए, उस बंगाली गौरव को नमन किया जिसकी कायल पूरी दुनिया है। बीजेपी अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भी मेगा आयोजन करने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पहुंचेंगे और नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि टीएमसी ने अपने धरती पुत्रों का आदर नहीं किया, मान नहीं रखा। वोटरों के बीच बीजेपी उसी मान सम्मान का हवाला देकर अपनी पहुंच बनाना चाहती है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नरेंद्र भाई जब लेकर आए, विपक्ष के सारे नेता, ये राहुल बाबा समेत सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में। जब भी बीजेपी ने धरती पुत्र और बंगाली अस्मिता की आवाज लगाई, टीएमसी ने उसका करारा जवाब देने में देर नहीं की। बीजेपी टाका दे और बीजेपी टाका बिहार इलेक्शन अपमानित हो गए, अन्य इलेक्शन अपमानित हो गए। हिंदू देर का गिये बोलने वो देर खूब हिंदू मुस्लिम देर बोलने नेता गुलो के सब मुस्लिम नए हायदराबाद नेता दे बीजेपी समर्थक গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? নেতাজি কি জয়ন্তী কা মৌকা টিএমসি হাত সে নহি জানে দেনা চাহতি, লিহাজা 23 জানুয়ারি কো जब प्रधानमंत्री कोलकाता में होंगे तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगी। बंगाली अस्मिता पर सियासत के बीच बीजेपी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी एक दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल सरकार को टीका चोर तक करार दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के अंदर जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें निशुल्क वैक्सीन बांटा। पहली बात ये कि सारे प्रदेशों में बांटा और सारे प्रदेशों से कहा कि हम वैक्सीन दे रहे हैं, हम सिरिंज दे रहे हैं, हम कोल्ड पॉड भी दे रहे हैं, आपका काम है वैक्सीन लगाना। पर दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता जी ने सबको पत्र लिखा कि ये वैक्सीन मेरी तरफ से बट रहा है, राज्य सरकार निशुल्क बांट रही है। अभी तक चाल चोर, त्रिपाल चोर, कोल चोर और अब वैक्सीन चोर भी सरकार हो गई है।
बीजेपी का आरोप है कि ममता दीदी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है। पार्टी को यकीन है कि इस बार के चुनाव में ममता की कुर्सी खिसक जाएगी, लेकिन टीएमसी 2016 का अपना रिकॉर्ड कायम रखना चाहती है। पार्टी से नाराज नेता भी भरोसा जता रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। मेरे साथ मैं ये भी बोलती हूँ, जो लोग पार्टी से इतने दिन जुड़े हैं, सबका इस टाइम एक साथ लड़ना है और यूनाइटेड होकर लड़नी है बिल्कुल, और फिर से ममता बनर्जी को जिताना है। दावों इरादों के बीच सियासी घमासान जारी है। मुर्शिदाबाद से गोपाल ठाकुर और कोलकाता से श्याम सुंदर घोष, इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।